तो हमारा ये रहा SMD LED टेस्टर और ये रहा SMD LED। तो हम इसको चेक करके देखेंगे कि कौन ठीक है कौन खराब है। तो ये रहा दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बनाएंगे SMD LED टेस्टर। SMD LED टेस्टर इसलिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि मल्टीमीटर से हर प्रकार का जो SMD LED है वो चेक नहीं हो पाता है। मल्टीमीटर से हम केवल 3 वोल्ट वाला SMD LED ही चेक कर पाते हैं। 9 वोल्ट वाला जब मतलब 1 वाट वाला जो SMD LED आता है मार्केट में, उसे हम चेक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और LED बल्ब में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम SMD LED का ही आता है। मतलब मान लो 10-15 SMD लगा हुआ है ऊपर और आपका एक फ्यूज़ हो गया है, ठीक है, और LED नहीं जल रहा है। आपको कैसे पता होगा कि कौन सा फ्यूज़ है। तो उस समय आपको एक 9 वोल्ट का जो बैटरी है या पावर सप्लाई है उसे लेके थोड़ा थोड़ा करके दे के देखना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है। पर मैं आपको एक ऐसा जो मैशिंग बनाऊंगा, मतलब ऐसा एक चीज़ बनाऊंगा जिससे बहुत ही आसान हो जाएगा। आप बहुत ही आसान तरीके से इन SMD LED को चेक कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए उसको बनाने के लिए हमारा जो 9 वोल्ट बैटरी है वो चाहिए और 2 10 ओम का रजिस्टर चाहिए। तो ये दोस्तों 10 ओम का रजिस्टर है। इसका कलर कोड है रेड ब्लैक ब्लैक। और हमें इस तरह का जो 2 चिमटा है, ठीक है, इस मतलब ये एक चिमटा था, इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी कट कर लेना है, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर टेप लगाया है और बाकी सब मैं आपको वीडियो में धीरे धीरे दिखाता हूँ। तो हम पहले इस जो 9 वोल्ट वाला जो बैटरी है इसको हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों, हमने 9 वोल्ट बैटरी के ऊपर से कवर हटा लिया है। तो अब हम इस पे जो रजिस्टर है वो जोड़ेंगे, 10 ओम रजिस्टर। तो दोस्तों 10 ओम रजिस्टर लगाना ज़रूरी है क्योंकि मान लो अगर 3 वोल्ट वाला SMD LED आप चेक कर रहे हो तो डायरेक्ट 9 वोल्ट देना उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर 10 ओम रजिस्टर इसमें ऐड करूँगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर सेटिंग कर लिया है, मतलब रजिस्टर जो है वो लगा लिया है। किस तरह से लगाया है आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर सोल्डिंग किया है, सोल्डिंग करके लगाया है, ठीक है। आप भी सोल्डिंग कर लो और सोल्डिंग इसके ऊपर आसानी से हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर ये जो, ठीक है, मतलब इनको मैं सेटिंग करूँगा, ठीक है। तो इनको सेटिंग करने से पहले मैं इसके ऊपर से जो टेप है इस टेप को हटा लूँगा, ठीक है। दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने किस तरह से इसका जो एक चिमटा का एक साइड है उसको सेटिंग किया है, ठीक है। इसके ऊपर से लिया है मैंने, इसके ऊपर से लिया है और रजिस्टर का जो पिन है वो इस चिमटे के ऊपर इस तरह से राउंड घुमा के सेटिंग कर लिया है, ठीक है, इस तरह से आप देखो। अब दूसरा वाला जो साइड है उसको भी मैं इसी तरह से कर लूँगा, ठीक है। और मैं इसके ऊपर से एक टेप चिपकाने वाला हूँ, ठीक है, इसके ऊपर से, ताकि ये हिले नहीं। तो ये रहा टेप, ठीक है। तो इस टेप को मैं यहाँ पर इस तरह से ये फिक्स हो चुका है। आप ये यहाँ से लेगा नहीं। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा सोल्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं दूसरा वाला जो साइड है उसको मैं यहाँ पर चिपका लूँगा इसी तरह से, ठीक है। तो ये रहा, इसको भी मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा इसके साइड पे। तो दोस्तों, दूसरा जब आप चिमटा का जो दूसरा साइड जब आप लगाओगे तो इन दोनों चीज़ों में बहुत ध्यान रखना होगा कि इन दोनों आपस में एकदम सही बैठे, ठीक है। मतलब इन दोनों का जो नोस है आपस में इस तरह से टच कर पाए, वरना आपका काम नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर से टेप लगाता हूँ।
ठीक है, मैंने टिप लगा लिया है, तो अब मैं इस ये बैटरी का पिन, मतलब रजिस्टर से जो बैटरी का पिन कनेक्ट है, इसके ऊपर लपेट लूँगा। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाया है मैंने किस तरह से इसको सेटिंग किया है, और उसके ऊपर से मैंने टेप लगाया है। ठीक है, अब बिल्कुल ये परफेक्ट है काम करने के लिए। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा सोल्डिंग करूँगा, ठीक है, ताकि ये यहाँ से स्लिप ना करें और अच्छे से बनी रहे। तो मेरा सोल्डिंग आयरन अब तक गर्म हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पे चलिए इस पे सोल्डिंग करते हैं। निकल पे सोल्डिंग अच्छे से पकड़ लेना चाहिए। दोस्तों, एक स्लिप कवर, जो हमारा स्लिप कवर है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, अच्छे से हाथ से, जब हाथ आकर स्लिप ना करे इसके ऊपर से, ठीक है, कवर मतलब ग्रेप करने के लिए अच्छे से, और इस तरह से, और एक स्लिप कवर मैं लगा दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब SMD LED को टेस्ट करके देखते हैं। तो हमारा ये रहा SMD LED टेस्टर और ये रहा SMD LED, तो हम इसको चेक करके देखेंगे कि कौन ठीक है कौन खराब है। तो ये रहा, ठीक है,